अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वाले फ़ोन को आप बेस्ट डील बोल सकते हैं क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है डिस्प्ले में सैमसंग वाला मिल जाता है, कैमरे भी ठीक हैं। तो ओवरऑल ये कैसा फ़ोन है, बाय करना चाहिए? थोड़ा इसको मैं कंपेयर भी करने वाला हूँ सैमसंग का जो फ़ोन मिलता है A52s वाला उसके साथ। तो ये रियलमी GT मास्टर एडिशन वाला फ़ोन है जो कि पाकिस्तान में 63,000 की प्राइस में लॉन्च हुआ है और ऑफलाइन मार्केट में डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा। तो डिज़ाइन वाइज फ़ोन देखें तो ठीक है, शाओमी को ये टक्कर दे सकता है क्योंकि रियलमी का UI काफ़ी स्टेबल होता है, बग्स वगैरह आपको इतने देखने को नहीं मिलते। ये फोन 8.7 और 8.0 mm थिकनेस पे है। ये इसके कलर पे डिपेंड करता है कौन सा आप कलर बाय कर रहे हैं। 174 ग्राम इस वाले फोन का वेट है। सुपर एमोलेड वाला इसमें डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला जो कि सैमसंग का डिस्प्ले है। तो सैमसंग के डिस्प्ले के कलर आपको तगड़े किस्म के देखने को मिलते हैं। तो ये प्राइस के लिहाज से डिस्प्ले देखें तो अच्छा खासा है, 1080p की रेजोल्यूशन है। एंड्रॉइड 11 बेस ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें मिलता है रियलमी UI 2.0 के साथ और स्नैपड्रैगन 778G वाला चिपसेट है जो कि 5G सपोर्टेड है। 6nm टेक्नोलॉजी वाला जो प्रोसेसर है ठीक ठाक है, गेमिंग भी अच्छी खासी इस पे कर सकते हैं और 5G पाकिस्तान में आता है तो वो भी यूज कर सकेंगे क्योंकि इसमें आपको 13 बैंड मिलते हैं 5G के जो कि बहुत ही ज्यादा है। आपको परफॉर्मेंस 5G की काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी सिग्नल स्ट्रेंथ के मामले में। 8GB की इसमें रैम है और 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट भी आता है। बैक पे इसके 3 कैमरे हैं, 64MP का मेन कैमरा है और 8MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 2MP का मैक्रो सेंसर है। 4K वीडियो 30fps में रिकॉर्ड कर सकते हैं बैक कैमरा से, 32MP का सेल्फी कैमरा है, फिंगरप्रिंट स्कैनर डिस्प्ले के अंदर है और बाकी के सभी सेंसर मिल जाते हैं। 4300mAh की बैटरी और 65W का फास्ट चार्जर है जो कि 100% बैटरी सिर्फ 33 मिनट के अंदर कर देगा। तो काफी अच्छा जो ऑप्शन है, पाकिस्तान में ज्यादा ऑप्शन आपको मिलते नहीं है। तो सैमसंग A52 वाला फोन है उससे भी काफी ठीक है, लेकिन सैमसंग के कैमरा का आपको फर्क मिलेगा। अगर आपने कैमरा फोन लेना है फिर तो आपको सैमसंग का फोन लेना चाहिए इस प्राइस में, अगर आपका बजट है तो। ये नहीं है कि इसका कैमरा बेकार है, प्राइस के लिहाज से ये भी ठीक, फोन का डिजाइन काफी चेंज है और सबसे बड़ी बात के प्रोसेसर इसमें काफी आपको तगड़ा मिलता है 5G वाला जो कि सैमसंग तो नहीं देगा। नेक्स्ट A53 वाले फोन का भी आप वेट कर रहे हैं तो उसमें भी आपको नहीं मिलने वाला इस प्राइस रेंज के अंदर। और A52s वाला फोन भी मिलता है जिसकी प्राइस 80,000 है पाकिस्तान के अंदर, उसके साथ भी कंपेयर करें तो काफी जे सस्ता आपको मिलेगा। और इसके अलावा अगर आपने गेमिंग के लिए फोन भी साथ में लेना है तो पोको F3 काफी तगड़ा ऑप्शन है रहेगा, वो आपको मिल जाता है तो वो भी बाय कर सकते हैं। कैमरे उसमें भी ठीक ठाक मिल जाते हैं, बिल्ड वाइज वो फोन इससे कहीं ज्यादा बेटर है। और अगर आपको डिजाइन और लेटेस्ट फोन ही लेना है तो जरूर इसे भी चेक कर सकते हैं। मुझे तो फोन जो पर्सनली काफी पसंद है, खास तौर पे इसका डिजाइन और इसमें जो प्रोसेसर लगाया गया है और 5G की सपोर्ट भी है 13 बैंड्स के साथ। ये नहीं है कि 5G नाम का ये इसमें मिलता। तो आपको ये वाला फोन कैसा लगा है, वीडियो थोड़ा लेट होगी उसके लिए मैनेज कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।